तो अब हमारे पास टॉपिक है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप पहले पढ़ा है क्या हमने? फॉर के पढ़ते हुए नहीं पढ़ा ना हमने। चलो ये हम कवर कर लेते हैं भाई। व्हाइल लूप जो है ना, है तो वो भी कंस्ट्रक्ट और बिल्कुल फॉर लूप की तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो क्या है, पैरामीटर सिर्फ एक है। अगर ये मैं आपको जूम इन करके दिखा सकूं तो आप ये देखेंगे कि एक इन्होंने वेरिएबल बनाया आई इक्वल्स टू जीरो, जो कि हम क्या करते हैं फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन पार्ट में बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट व्हाइल का कीवर्ड और एक पैरामीटर लिखा है फॉर लूप में, हम ये चीज तीन करके लिखा करते थे। और उसके बाद डायरेक्ट बॉडी है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसने बॉडी के अंदर किया है, फॉर लूप में हम लास्ट में किया करते थे। ठीक है, तो व्हाइल लूप जो है वो असल में क्या होता है, वही कंस्ट्रक्ट है फॉर लूप वाला, लेकिन इसमें पैरामीटर सिर्फ एक है। और कौन सा वाला एक है पैरामीटर? कंडीशन चेकिंग वाला। तो ये चलता किस तरह है, ये सबसे पहले आता है कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन ट्रू है बॉडी को एक दफा चला देता है, दैट्स इट। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। दूसरे साइकिल में दोबारा बॉडी को चेक करता है, अगर ट्रू है तो कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी को एक दफा और चला देता है। जिस पॉइंट पे आगे कंडीशन फॉल्स हो जाती है वहां पे ये बॉडी को नहीं चलाता है और बस उससे बाहर आ जाता है लूप से। तो अब सवाल ये है कि भाई फॉर लूप के होते हुए व्हाइल लूप की क्या जरूरत? तो फॉर लूप जो है वो मोस्ट प्रोबेबली शायद बाद में आया, ठीक है, व्हाइल लूप शायद पहले आया था, ये मेरा एजम्पशन है इस, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। वेल, फॉर लूप को जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जहां पे इनफाइनाइट लूप चलाना हो। ठीक है, फॉर लूप को ज्यादातर उन जगहों पे, क्योंकि है तो दोनों कंस्ट्रक्ट, जिसके पीछे चल रहा है रिकर्जन के करके ये इस्तेमाल करता है, वो हमने देखा था कि फंक्शन को ही फंक्शन आपस में कॉल करते हैं तो उससे ये चल रहा होता है असल में। ठीक है, बाय द वे फंक्शन के टाइम पे किसी ने ये नहीं सवाल पूछा कि यार अगर हम रिकर्जन करके फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं तो वो तो 4 5 6 हज़ार चल के वो ठंडा हो जाता है क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, तो फॉर लूप पीछे कैसे उसको चलाता है? वैसे तो इस डिटेल में शायद क्लास बहुत ओवरवेलमिंग हो गई थी उसी दिन, लेकिन घर जाके क्या किसी ने इस पर रिसर्च की कि फॉर लूप बिहाइंड द सीन चलाता तो रिकर्जन है, वो फंक्शन कॉल को रिपीट कर करके वो घुमा रहा होता है, लेकिन ऐसा क्या करता है कि वो ओवरफ्लो नहीं होता? अगर किसी ने इस बात को अगर जानने की कोशिश की है तो बताया जरा क्या समझ आया उसको, अगर नहीं सर्च किया तो ये सर्च करना जरूर जाके कि जी रिकर्जन तो कर रहा है लेकिन वो ऐसा कैसे रिकर्जन कर रहा है कि जो ओवरफ्लो नहीं हो रहा मेमोरी का जो स्टैक है। ठीक है, मेमोरी का एक वो कोटा दिया हुआ होता है, जाहिर है पूरे कंप्यूटर पे तो नहीं दे देंगे, तो क्रोम ने कोटा दिया हुआ होता है कि जी ये आपका है, तो वो ओवरफ्लो हो जाता है अगर हम करते हैं रिकर्जन जैसे लास्ट टाइम ने किया था। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे वो ओवरफ्लो नहीं होता, तो वो तलाश जरूर कीजिएगा जाके। वेल, तो व्हाइल लूप आमतौर पे वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे लूप हमारा इनफाइनाइट होता है। सही है, इनफाइनाइट लूप हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? मिसाल के तौर पे किसी प्रोग्राम को बार बार रन करना है, किसी प्रोग्राम को बार बार अगर रन करना है हमें, या तो उसमें क्या होता है कि जी प्रोग्राम रन होता है, लास्ट में हम यूजर का इनपुट लेते हैं कि जी वुड यू लाइक टू रन इट अगेन, बंदा बोलता है यस तो हम प्रोग्राम को दोबारा रन कर देते हैं, नो बोलता है तो हम उसको वहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्लासिक केस के लिए हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं कि हम कह देते हैं कि जी इनपुट इक्वल्स टू अगर वाई है तो चला दो, अदरवाइज ना चलाओ। ठीक है, इक्वल्स लगा के वो, अभी तो इसने वो लेस देन ग्रेटर देन लगाया ना, बट कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है, इक्वल्स टू लगा दिया मैंने। अच्छा, या एक और इसको मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जी आपने अगर किसी पैराग्राफ के ऊपर पहले कैरेक्टर से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक एक एक कैरेक्टर पे गो थ्रू करना है, तो आप क्या करते हैं, अगला कैरेक्टर करके उसको आप देते रहते हैं अनटिल वो अनडिफाइंड ना हो जाए, वो लूप चलता रहेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। वेल, जहां पे भी आप व्हाइल लूप लगाते हैं वहां पे आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि वो सेम ही कंस्ट्रक्ट है, सिर्फ दो पैरामीटर कम है, तो जहां पे भी आपके सामने जरूरत आएगी वहां पे आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, अब डू व्हाइल एक कंस्ट्रक्ट है, डू व्हाइल एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर लूप से और व्हाइल लूप दोनों से। डू व्हाइल में क्या होता है कि जी कोई भी काम ना पहले एक दफा कर दो बगैर सोचे समझे,
नहीं, बगैर कोई कंडीशन चेक किए एक दफा कर दो आप उसको काम। अब डू, अच्छा ये बाय द वे, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, ये तीन कंस्ट्रक्ट ऐसे हैं जो तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में काउंट होते हैं। सही है, ये तीनों जो लूप के कंस्ट्रक्ट हैं ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है। मैप जो ऑन अदर एंड वो सब में नहीं होता, मैप सिर्फ जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अच्छा एक और होता है फॉर ईच, वो फॉर ईच पता नहीं बुक में भी डिस्कस होगा, तो फॉर ईच भी तकरीबन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में शामिल है, वो भी सब में होता है ऑलमोस्ट। अच्छा तो डू का जो ब्रैकेट है ये डू के बाद ना डायरेक्ट इसकी बॉडी है, तो ये एक दफा तो इसको चला देगा बगैर सोचे समझे कुछ, बगैर देखे कुछ चेक किए, उसके बाद ये करेगा कंडीशन चेक। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा चलाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो, अगर फॉल्स है तो फिर दोबारा नहीं चलाएगा, लेकिन एक दफा वो चलेगा हर हाल में बगैर कुछ देखे। तो डू वाइल भी जो है वो कुछ सर्टेन केसेस होते हैं, अभी मेरे फौरी तौर पे जहन में कोई केस नहीं आ रहा इस तरह का, लेकिन मिसाल के तौर पे एक इनफाइनाइट चलने वाला कोई प्रोग्राम है जो, तो उसमें ये वाला भी अप्रोच हो सकती है। अगर मैं वाइल लूप से चलाता ना कि जी एक प्रोग्राम डू यू वॉन्ट टू रन अगेन वाला, तो मुझे क्या करना पड़ता, शुरू में उसमें वाई लिखना पड़ता, एक वेरिएबल बनाता जो वाई लिखता और शुरू में एक दफा ट्रू हाथ से करवाता, क्योंकि यूजर अभी तो प्रोग्राम चलेगा तो आखिर में यूजर इनपुट देगा ना, तो एक दफा मुझे हाथ से ट्रू करवाना पड़ता। इसमें मुझे वो नहीं करना पड़ेगा, इसमें मैं डू में रखूंगा पूरा का पूरा प्रोग्राम, जो भी मेरा प्रोग्राम है चलने वाला जो, ठीक है, और वाइल पे फिर मैं वो उसका जो इनपुट लिया है वो उसको चेक कर लूंगा कि जी बंदे ने क्या बोला है। ठीक है, जो सी एल आई प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये डू और वाइल का बड़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि सी एल आई प्रोग्राम में ना वो यस नो का चक्कर होता है कि जी वुड यू लाइक टू डू, तो यस और या नो आप दबा रहे होते हो, तो वो दोबारा से शुरू करता है। वाइल और डू वाइल दोनों की जो कंडीशन चेकिंग है, जो फॉर के अंदर हम दरमियान वाला जो कंडीशन चेकिंग है उसको हमने डिटेल में देखा हुआ है कि जी क्या उसमें हो जाता है क्या नहीं होता, अगर मैं उसमें कंडीशन बिल्कुल ही ना दूं तो वो उसको बाय डिफॉल्ट ट्रू कंसिडर करता है, तो वाइल में भी कुछ ना दूं तो बाय डिफॉल्ट ट्रू कंसिडर करता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मैं उसमें स्ट्रिंग में कार लिख दूं तो उसको क्या कंसिडर करेगा, -1 लिख दूं ट्रू की जगह, तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है इनके अंदर भी। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो अब तक आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी कि जावास्क्रिप्ट को प्लेस कहाँ पे किया जाता है और क्यों, व्हाई, तो कौन मुझे बताएगा कि जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर? बॉडी से पहले, और कोई बताना चाहेगा? बॉटम में, मतलब बॉडी के बॉटम में या पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के बॉटम में? बॉडी से बाहर के अंदर? हाँ जी, तो बॉडी के लास्ट में जिन लोगों ने बताया उनका जवाब सही है। अच्छा बॉडी से पहले क्यों नहीं? लेकिन फैन मंदिर पे यार, सामने फैन फैन मंदिर है, बहुत शोर हो रहा है। हाँ सारे बंदर को फैन, हाँ एक दोस्त ने कहा कि सीएसएस पहले लोड हो जाए फिर जावास्क्रिप्ट लोड होगी तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं और भाई एक दोस्त, स्ट्रक्चर क्या कह रहे हो? नहीं वो होगा क्या उससे, मतलब फायदा क्या है उसका? कि बात तो सही कह रहे हो तुम कि स्ट्रक्चर पहले लोड होना चाहिए और जावास्क्रिप्ट बाद में रन हो, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मसला होगा क्या कोई? हाँ यूजर को नजर नहीं आएगा। हाँ नहीं, हैंग वैंग नहीं होगा। नहीं, बात तुमने सही की है लेकिन बात तुमने की है इनकम्प्लीट।
कोई इनकी बात को कंप्लीट करना चाहेगा? इन्होंने कहा है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना बाद में इसलिए लोड करवाते हैं कि ज्यादातर यूजर से इनपुट वगैरह हम ले रहे होते हैं, तो अगर वो फॉर्म जब तक पूरा नहीं चल जाएगा तो फिर हम इनपुट कैसे लेंगे ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये इन्होंने बात की। कोई इनकी बात को मजीद आगे बढ़ाना चाहेगा? हाँ भाई, मेरा सवाल ये था कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट को बॉडी के आखिर में रखा है मैंने, अगर मैं आखिर में ना रखूं, मैं हेड में ले जाके लगा दूं, तो कुछ क्या उससे कोई प्रॉब्लम होगी? स्लो क्यों हो जाएगी? स्लो कैसे? स्लो होने से क्या ताल्लुक है? नहीं तो जावास्क्रिप्ट तो फंक्शन है ना सारे, तो फंक्शन रजिस्टर हो जाएंगे पहले, क्या हो गया? और यूआई बाद में लोड होगी, इससे तो प्रॉब्लम क्या होगा? एक दोस्त ने कहा स्लो हो जाएगा, तो स्लो क्यों हो जाएगा वो भी तो बताओ ना साथ से। सिर्फ ये तो तुक्का हो गया ना, अगर सिर्फ स्लो हो जाएगा बोल दिया तो। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर जावास्क्रिप्ट को पहले भी लोड कर दें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी भाई, कितने लोग इनकी बात से अग्री करेंगे? ये कह रहे हैं कि आपको अगर पहले रेंडर कराना है जावास्क्रिप्ट तो आप पहले लोड कर दें, ये इन्होंने बात की। कितने लोग इनसे एग्री करेंगे? दो चार लोग इनसे एग्री कर रहे जी। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा जी? जावास्क्रिप्ट को बॉडी के आखिर में क्यों? अच्छा, इस चैप्टर में ये बात डिस्कस हुई भी है बाय द वे। बुक आप में से कोई भी नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब ये है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये, अब मैं बता रहा हूँ, खामोशी से सुन लो गौर से। टॉम का क्या? हाँ, तो अगर मैं पहले लगा दूं तो क्या होगा? बात तो तुमने की है, लेकिन कंप्लीट करो ना अपनी बात, कॉन्फिडेंट होके कंप्लीट बात करोगे क्या होगा? करके देखा है कभी? करके देखना था ना ये तो यार। भाई जिस दिन मैंने ये शुरू में कही थी बात कि यार बॉडी के आखिर में लगती है जामस, ऐसी सरसरी सी कोई बात कह दी थी मैं, तो मतलब जब मैंने एक बात कर दी तो फिर उसको तो वेरीफाई करना चाहिए था ना आपको। यार अगर मैं शुरू में लगाता हूँ तो क्या होता है? ये लिटरली मैंने यही किया था, जब मुझे पहली दफा जब किसी ने कहा था कि भाई बॉडी के आखिर में लगाता है, उस दिन से मैंने बॉडी के शुरू में लगाना शुरू कर दी। कुछ भी नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन फिर एरर आया, एक दिन एरर आया। सही है, तो अगर आप भी शुरू में लगाना शुरू कर देते तो एक दिन एरर आता आपके पास भी ऑब्वियसली। अच्छा चलो, बस समझ लो फिर क्या होता है चक्कर। देखो बात यह है कि जावास्क्रिप्ट जब चलती है ना, तो एक तो चलती है वो एचटीएमएल का पार्ट बन गए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं चलती है। अच्छा, एचटीएमएल का कोड जब रन होता है तो वो भी जावास्क्रिप्ट बन के रन होता है, ठीक है, और तमाम चीजों को ना जावास्क्रिप्ट बनाया जाता है पहले, और जब ही वो रन होता है। सही है। अच्छा, लेकिन होता ये लाइन बाई लाइन है। एचटीएमएल की शुरू की लाइन है, वो पढ़ेगा, हेड में पहुंचा, उसको सीएसएस की फाइल मिल गई, वो उसने लोड कर लिया, उसके बाद उसको एचटीएमएल के हेड वेड H1 H2 पैराग्राफ जो भी मिला उसको उसने लोड कर लिया और उसको डॉम पे बना दिया। जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ना, ऑब्जेक्ट होता है, जावास्क्रिप्ट होती है डॉम, है ना, जो डॉम होता है, यानी कि जो आपका H1 आप कहते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो वो डॉम से उठ के आता है, तो वो डॉम बन गया। अब डॉम बनने के बाद सबसे लास्ट में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सही है। अच्छा, उससे होगा कुछ भी नहीं, आपका जो नॉर्मल फंक्शन है वो रजिस्टर हो जाएगा, वो पहले भी रजिस्टर होता तो ठीक हो जाता, लेकिन कभी कभी एरर आएगा उसमें। मिसाल के तौर पे जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन होते ही आप किसी एलिमेंट को छेड़ते हो ना, तो वो एरर कर देता है आपका, ठीक है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पहले रन कर दिया, बॉडी से पहले रन कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो फिर, आप एचटीएमएल के कोड के रन होते ही आप किसी एलिमेंट को नहीं छेड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है? अभी तक तो नहीं पड़ी। इसकी जरूरत हमें आमतौर पर जब पड़ती है कि जी अब कोई चैट एप्लीकेशन, चैट बॉट है, ठीक
क्योंकि मैं चैटबॉट पे अक्सर काम कर रहा हूँ आजकल। तो चैटबॉट में क्या होता है आमतौर पे कि पेज लोड होते ही ना मुझे एक मैसेज दिखाना होता है जो कि पहले से नहीं आना, पहले से आया हुआ नहीं होना चाहिए वो मैसेज। पेज लोड होने के कुछ 300 400 मिलीसेकंड के बाद वो मैसेज मुझे पॉपअप कराना है ना, तो वो मैं कहाँ पे लिखूंगा मैसेज? वो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन चलाता हूँ जिसको मैं सेट टाइम आउट लगा देता हूँ 300 400 मिलीसेकंड, और उसको मैं चला देता हूँ, तो वो पेज लोड होते ही 300 मिलीसेकंड पे वो पॉपअप मारता है। अच्छा, ऐसे केस में अगर मेरी जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो गई तो वो हो सकता है 300 400 मिलीसेकंड लग जाए उसको लोड होते होते और वो चल पड़े। अच्छा, इतने में अभी तक एचटीएमएल तो बना ही नहीं है, तो जो मैं कर रहा हूँ ना कि गेट एलिमेंट बाय आईडी मैसेज विंडो और डॉट क्रिएट एलिमेंट और अंदर करके, तो वो बोलेगा भाई ये मैसेज विंडो तो है ही नहीं, मैसेज विंडो इज नॉट डिफाइंड, या वो लिखेगा कैन नॉट गेट मैसेज विंडो ऐसे करके, तो वो एरर आ गया। अच्छा, तो ये तो पहला रीजन है कि आपने लास्ट में लगाना है। दूसरा रीजन, अगर आप जावास्क्रिप्ट को शुरू में लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल आमतौर पे साइज में बड़ी भी होती है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को शुरू में लगाने से पेज आपका स्लो लोड होने लग जाता है। अच्छा, स्लो लोड होने लग जाता है इसका मतलब क्या है कि जी जावास्क्रिप्ट में आमतौर पे ना वो चीजें होती हैं जो बटन के क्लिक पे या तो चलेगी, या तो किसी इमेज पे मैं हवर करूंगा जब चलेगी। अब मिसाल के तौर पर किसी इमेज पे हवर करता तो इमेज ऐसा बड़ी होके सामने आती है, सही है, या हल्का सा वो हिलने लग जाती है इमेज, कोई एनिमेट करती है, तो एनिमेशन तो वैसे आजकल सीएसएस में आ गई है ज्यादातर, लेकिन फिर भी किसी बटन के क्लिक पे ज्यादातर चलने वाले काम जो है ना वो जावास्क्रिप्ट में होता है। अच्छा, इनिशियल पेज लोड में ना जावास्क्रिप्ट का ज्यादातर कोई काम नहीं होता है, सही है, तो इसलिए अगर हम जावास्क्रिप्ट को पहले रख देते हैं लोड होने में, तो क्या होता है कि जी 300 KB या 200 KB की जितने की भी आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो बैंडविड्थ आपका ऑक्यूपाई हो जाता है वहां पे, सही है। क्यों? अब उसका रीजन देखो क्या है, टोटल आपकी वेबसाइट थी 600 KB की, तो उसमें से क्या हुआ कि 300 KB की जावास्क्रिप्ट है, तो 300 KB आपने लास्ट में लगा दिया ना, तो अब क्या होगा कि आपका टोटल लोड 300 KB रह गया, 300 KB का बैंडविड्थ तो उसको जैसे ही मिलेगा ना वेबसाइट आपकी सीधी होके खड़ी हो जाएगी, है ना। अगर आपने जावास्क्रिप्ट को ऊपर रखा तो वो क्या होगा कि जब तक जावास्क्रिप्ट पूरी लोड नहीं हो जाती वो नीचे का एचटीएमएल लोड नहीं करेगा, और नीचे का एचटीएमएल जब तक लोड नहीं होगा जब तक वेबसाइट सीधी होके नहीं दिखेगी आपको, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो लोड टाइम है ना वो 600 मिलीसेकंड रहेगा, और जबकि आप जावास्क्रिप्ट को अगर मूव कर दोगे बॉटम पे तो आपका लोड टाइम 300 मिलीसेकंड पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं, पहली दफा जब किसी बंदे की कंप्यूटर में आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो आपकी किस्मत का फैसला होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा पहली दफा आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपकी वेबसाइट पे मौजूद जो फोटोज हैं, जो जो टेक्स्ट है और जो भी कुछ सारा है वो कैशे तो नहीं ना हुआ हुआ, वो तो सेकेंड टाइम खुलने पर कैशे से आ जाता है ना खुल के। पहली दफा जब खुलता है उसके कंप्यूटर में आपकी वेबसाइट तो वो पूरा टाइम लेता है लोड होने वाला, तो वो लोड टाइम जितना कम से कम हो उतना बेहतर है। तो ऐसे कहने को तो 300 मिलीसेकंड कुछ भी नहीं है, लेकिन दिस 300 मिलीसेकंड कैन चेंज योर किस्मत। सेकंड टाइम में तो कोई मसला नहीं है क्योंकि सेकंड टाइम में तो वो पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल ही कैशे हुई हुई है, वो लोड ही नहीं होगी, वो वहीं से उठा के ले आएगा कैशे से, तो सेकंड टाइम में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है फर्स्ट टाइम में, वेरी फर्स्ट टाइम जब आपके पास आएगा ना पेज खोलेगा जब, वो उस टाइम आपकी वेबसाइट अगर खुलने में थोड़ा सा भी टाइम लगा वो बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। और तो हमने क्या रीजन देखा, नंबर एक डॉम की मैनिपुलेशन अगर आपने रूट पे की हुई है ना पेज लोड होते ही तो वो एरर मार देगा, वो तो बिल्कुल ही कोड ब्रेक कर देगा आपको। नंबर दो, अगर जावास्क्रिप्ट में क्योंकि क्लिक पे चलने वाली ज्यादातर चीजें होती हैं तो इसलिए नीचे करना उसको पॉसिबल है, सही है, तो उसको नीचे करके हम उसको उठा लेते हैं। अच्छा, आमतौर पर सीएसएस की भी फाइल साइज में बड़ी होती है, लेकिन सीएसएस की फाइल को हम बॉडी के बॉटम पे कभी भी नहीं रखते, हम उसको हमेशा बॉडी से पहले रखते हैं जानबूझ के। ऐसा क्यों करते हैं ऐसा? हालांकि देखो लोड टाइम तो उससे भी बढ़ रहा है ना, अगर उसको भी नीचे कर दें एचटीएमएल पहले लोड करा दें तो कुछ तो H1 कोई बगैर सीएसएस के दिखेगा, कुछ तो दिखेगा यूजर को, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि हम सीएसएस की फाइल पहले लोड करा के उसके बाद एचटीएमएल लोड कराते हैं, ताकि जब एचटीएमएल पहली दफा स्क्रीन पे यूजर को नजर आए तो उस पे सीएसएस पहले से अप्लाई हुआ होगा, इसलिए लगाते हैं फॉर द सेक ऑफ यूजर एक्सपीरियंस,
है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में उसको ब्रेक हुआ हुआ पेज दिखाएं तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि ब्रेक हुआ हुआ पेज जब देखता है ना यूजर, तो पहला उसका इंप्रेशन नहीं होता, अरे ये तो खत्म है, मतलब ना ब्रेक हो गया ये, उसको लगता है कि नहीं खुलेगी वेबसाइट। तो बजाय ब्रेक हुई भी वेबसाइट दिखाने के ना, कभी कभी मैं गिटहब खोलता हूँ ना, वो ब्रेक हुआ हुआ खुलता है, मैं बोलता हूँ अरे इसको रिफ्रेश करो, कुछ गड़बड़ हो गई, समझ रहे हो। तो एक इंप्रेशन पहला यही आता है कि ये ब्रेक हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। तो बजाय इसके कि मैं उसको ब्रेक हुई भी वेबसाइट दिखाऊं, मैं थोड़ा सा उसको वेट करवा लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, है ना, कि कोई बंदा आया उसको फॉरन से मैं सामान देने के बजाय उसको मैं एसी वाले कमरे में थोड़ी देर बैठा रहा हूँ ताकि थोड़े देर ठंडे में वो आ जाए। तो समटाइम हम ये करते हैं, यूजर एक्सपीरियंस के चक्कर में हमें ये करना पड़ता है। अच्छा, क्या कुछ सीएसएस की फाइलों को भी मैं नीचे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। सीएसएस में भी तमाम चीजें यूआई से मुताल्लिक नहीं होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि जी कुछ सीएसएस की फाइल ऐसी है कि जब वो वीडियो प्ले होगी जब उसका काम है, उससे पहले उसका काम नहीं है। तो मैं ऐसी सीएसएस की फाइलों को भी बॉडी के बाद लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे डिस्टिंग्विशली पता होना चाहिए कि जी ये चक्कर है। तो आमतौर पर दो फाइलें भी बना सकते हैं आप, ठीक है, अगर बहुत बड़े साइज की ऐप है तो उसमें ऐसा करते हैं लोग, ठीक है। छोटे प्रोजेक्ट्स में मैंने नहीं देखा, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि जी कुछ सीएसएस की जो फाइल्स होती हैं, ऐसे सीएसएस जो वीडियो चलने के बाद उसका काम है, या फिर अच्छा फिर अगर जैसे यूट्यूब जैसी ऐप है उसका काम ही वीडियो का है, तो उसमें वीडियो सबसे पहले चलती है, नीचे का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बाद में लोड होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कि जो मिसाल के तौर पर वीडियो ओरिएंटेड ऐप है तो वो वाले काम पहले लोड कराया जाता है, ठीक है, बाकी को हम डाल देते हैं नीचे। हाँ नहीं, मल्टीपल पेजेस का तो चक्कर ये है कि आप ये होता है हर पेज का सीएसएस उसके साथ ही होता है, अलग से नहीं होता, सही है, तो वो उतना ही सीएसएस लोड होता है। हाँ लेकिन ये है कि जाहिर है जैसे रिएक्ट वगैरह की ऐप है उसमें वो आखिर में बंडल कर देते हैं उसको एक ही जगह पर। तो वेल, तो कुल मिला के बात ये है कि जी हम सीएसएस को भी नीचे ला सकते हैं। तो हमने जो सबसे पहले जो चीज लोड करवानी होती है ना, वो क्या करवानी होती है कि जिससे पेज मेरा सीधा खड़ा होकर दिख जाए। अच्छा, जिन चीजों को मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी सीएसएस की फाइल है या कोई ऐसी लाइब्रेरी है जो मुझे बाद में चाहिए, तो उसके ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो हम लगा सकते हैं, ठीक है, कि जी इसको कब लोड करना है। तो या इसको लेजी लोडिंग में उसको कहते हैं, अगर मैं जाऊँ ना यहाँ पे इसको कहते हैं स्क्रिप्ट लोड स्ट्रेटजी, HTML, ये रहा कंटेंट स्ट्रेटजी, नहीं यार अब यार वो मैं उसका एट्रीब्यूट का नाम भूल गया, इस तरह स्ट्रेटजी करके कुछ है। अच्छा, एक तो ये फेच प्रायोरिटी है, लेकिन ये बीटा में है अभी ना, ये भी एक एट्रीब्यूट है, हाई लो या ऑटो करके रख सकते हैं इसको। हाँ किसी को पता है उसका नाम? हाँ डेफर है शायद। ये रहा, इसमें डेफर करके एक चीज होती है, उसको अगर हम ट्रू कर देना तो वो क्या करता है, उसको जब पेज लोड हो जाता है उसके बाद करता है। सही है, यहां देखो इसमें लिखा है कि स्क्रिप्ट के ऊपर ना दिस बूलियन एट्रीब्यूट इज सेट टू इंडिकेट टू अ ब्राउजर दैट द स्क्रिप्ट इज मेंट टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द डॉक्यूमेंट हैज बीन पार्स्ड बट बिफोर फायरिंग द कॉन्टेंट लोडेड, ठीक है। तो इसको हम ट्रू कर सकते हैं। एक और चीज होती है लेजी लोडिंग, यार पता नहीं वो शायद एचटीएमएल का पार्ट नहीं होती, वो कुछ दूसरी
मैं यहाँ पे लिखूंगा ना अभी लेजी लोडिंग स्क्रिप्ट, ये लेजी लोडिंग करके तो आया है। इसमें सारी स्ट्रेटजीज इन्होंने बताई हुई है कि जी कोड को आप स्प्लिट कर लो, कि कौन से को पहले लोड कराना है, कौन से को बाद में कराना है। इमेजेस में भी ये वाला चीज आपके पास अवेलेबल है कि जी लोडिंग इसकी क्या करानी है, लेजी करानी है आपने, लोडिंग लेजी। सही है, लेजी में ये होगा कि वो पूरा पेज पहले, मिसाल के तौर पर HTML के पेज में अगर बीच में कोई बड़े साइज की इमेज है तो वो उसको छोड़ देगा, उसको नहीं फौरन लोड करेगा, पहले वो बाकी का पेज लोड करेगा लास्ट में फिर। हाँ नीचे वाली अगर है मे भी, तो हम उसको सबको लेजी लगा सकते हैं, तो जब उसको पूरा बैंड कर, मेरे ख्याल है मेरे जहन में ना ये इमेज का ही आ रहा था लेजी लोडिंग। असल में लेजी लोडिंग तो वैसे एक ऐसे टर्मिनोलॉजी है, ये एंगुलर के जमाने में आई थी कि जी हमें ये कराना चाहिए, लेजी लोडिंग करवानी चाहिए, तो उस जमाने में कुछ लाइब्रेरीज वगैरह होती थी लेजी लोडिंग की, तो इसमें इन्होंने ना जावा स्क्रिप्ट, CSS और ये HTML और ये इमेज और सबका यहाँ पे जिक्र किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा डॉक्यूमेंट है ये, तो इसको देखिएगा आप लोग। लेजी लोडिंग इसलिए करवाएंगे हम ताकि पेज हमारा जल्दी लोड, किसी एक चीज को बाद में लोड करवाना है अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको लेजी लोड करवा देते हैं ताकि बकाया जो आइटम है वो जल्दी लोड हो, है ना। मिसाल के तौर पे मेरा HTML का डॉक्यूमेंट है, उसमें पहले नंबर पे ये बहुत बड़े साइज की इमेज है, तो वो पहले उस इमेज को लोड करेगा फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। वो इमेज बैंडविड्थ ले रही है ना, तो मैं चाहूंगा कि नहीं वो इमेज थोड़ी देर में लोड हो, 2-4 मिली सेकेंड के बाद मेरा बाकी नीचे का जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है वो पहले हो जाए, तो इस वजह से हम करेंगे, तो वो जावा स्क्रिप्ट की फाइल को लोड करने के बाद इमेज को लोड करेगा, तो वेल। नहीं वंस तो पेज एक दफा, पहली दफा लोड होने का चक्कर होता है सारा, पहली दफा पेज लोड हो गया तो सेकंड टाइम तो सारा कुछ केशे में से आता है ना, फिर तो वो लेजी लोडिंग होता उसी सीक्वेंस में ही है, लेकिन चूंकि वो केशे में से आता तो आपको पता ही नहीं चलता, जल्दी से हो जाता है सब कुछ, ठीक है जी। तो हमने ये देखा कि हम क्या कर सकते हैं, ये वाला काम कर सकते हैं कि जी हम कुछ CSS जो टॉप पे लगाते हैं उसको भी नीचे ला सकते हैं, अगर उसका बराह रास्त UI से ताल्लुक ना हो और कई अंदरूनी मामला हो उसके बाद। अच्छा क्या कुछ केसेस में हमें JavaScript को भी ऊपर ले जाना पड़ सकता है? अच्छा इन्होंने कहा कि बूटस्ट्रैप के साथ भी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल आती है, वो तो हमेशा हम ऊपर लगाते हैं भाई, उसको नीचे लगाना होता है। नहीं असल में देखो तो मटेरियल UI या बूटस्ट्रैप में जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है ना, वो क्या होता है बटन के ऊपर रिपल वगैरह आ रहा होता है ना, उससे ताल्लुक होता है, और बटन खुलता है तो एनिमेट हो गया, तो वो जावास्क्रिप्ट से, हालांकि तो CSS से भी हो सकता है लेकिन वो जावास्क्रिप्ट से किया होता है ऐसा, तो वो क्या होगा कि अगर जावास्क्रिप्ट आप लास्ट में लगाओगे ना तो जब पेज लोड होगा तो बटन का वो रिपल नहीं काम कर रहा हो, जब तक वो जावास्क्रिप्ट लोड नहीं हो जाती ना, जब तक वो रिपल काम नहीं करेगा, वंस वो लोड हो जाएगी फिर वो रिपल भी काम करेगा, ये होता है, तो उस जावास्क्रिप्ट को भी आपको नीचे ही लगाना होता है, ठीक है। अच्छा इसका जवाब ये है कि भाई कोई भी ऐसा पॉइंट आपकी जिंदगी में नहीं आएगा कि जब जावास्क्रिप्ट आपको ऊपर ले जानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। अगर ऐसा कोई पॉइंट आता भी है तो आप क्या करेंगे, उतना पार्ट जावास्क्रिप्ट का अलग से लिखेंगे आप और उसको आप ऊपर प्लेस कर देंगे, बाकी का आप नीचे ही रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा है, तो प्लेसिंग स्क्रिप्ट हमारा ये कवर हो गया। बॉडी के आखिर में कमेंटिंग आप पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, कमेंट सब करते भी रहे हैं क्लास में, दो दफा स्लैश अगर लगा देते हैं किसी भी लाइन में तो
उस लाइन को जावास्क्रिप्ट एज अ कोड नहीं समझता है, फिर उसको एज अ कमेंट वो समझता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। कमेंट लगाने के दो अहम रीजन होते हैं, कोई बता सकता है आप में से? सही है। तो एक तो दोस्त ने बिल्कुल सही सब लोगों ने बताया कि एक तो एक्चुअल कमेंट्स के लिए, कि जी ये कोड लिख रहा हूँ मैं, कोड के साथ साथ कोई कमेंट्री भी करता जाऊँ ताकि दूसरा डेवलपर को उसको समझ सके कि जी ये क्या काम हुआ हुआ है। कोड के साथ कुछ कमेंट्री लिखती है मैंने, कुछ उसके साथ नोट्स लिखती है मैंने, तो एक तो वो वाला काम आ गया। दूसरा अहम रीजन, बिल्कुल सही बताया, वक्ती तौर पे किसी कोड को रोकने के लिए, डिबगिंग पर्पसेस के लिए कमेंट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है कि जी मुझे कोई कोड वक्ती तौर पे रोकना है डिबगिंग पर्पस के लिए, या उसको रोक के मुझे उसको थोड़ी सी चेंजिंग करके, तो उसके लिए भी कमेंट का बड़ा इस्तेमाल होता है कि जी आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा कोड कमेंट कर देते हैं। सम टाइम क्या होता है कि आपका कोड काम करना बंद कर देता है अचानक, तो आपको लगता है कि शायद यार ये नीचे जो मैंने कोड लिखा है इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उतना कोड आप कमेंट करते हैं और कोड आपका चल जाता है, तो आपको आइडिया हो जाता है अच्छा जो कमेंट हुआ है इसी में ही कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दो अहम रीजन हमने क्या देखे, नंबर एक तो एक्चुअल कमेंट्स और नोट्स के लिए, नंबर दो डिबगिंग पर्पस के लिए हम कमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो